तराशना है मुझे फिक्र जस्तजू से आपको, तहजीब का दामन है जिसे अपने अंदाज में पहने दो। ऐसा ही एक अंदाज प्रोग्राम सिलसिला और मैं हूँ आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हसीन नज़ारों पर। दिल्ली के सेवन स्टाइल माइल में अजीम फनकार नुसरत फतेह अली खान की याद में एक खूबसूरत और रंगीन शामी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए युवा कलाकार और नुसरत फतेह अली खान के भतीजे रिजवान मुजाहिद अली खान और मुअज्जम मुजाहिद अली खान ने कव्वालियाँ पेश की, जो एक यादगार लम्हा था। अजीम फनकार और सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान की याद में दिल्ली में खूबसूरत शाम का एहतमाम किया गया, जिसमें नुसरत फतेह अली खान के भतीजे और पाकिस्तान से आए युवा कलाकार रिजवान और मुअज्जम मुजाहिद अली खान की ये बेहतरीन और दिलकश अदायगी और ये नज़ारा भारतीय उपमहाद्वीप की परंपरा और संस्कृति की पहचान है। रिजवान और मुअज्जम की ये जुगलबंदी और बंदिशें एक बार फिर से नुसरत फतेह अली खान की याद को ताज़ा करा देती हैं। रिजवान और मुअज्जम दोनों भाइयों की ये कामयाब कोशिश हिंद पाक की सरहदों को पीछे छोड़ती हुई यहाँ की तहजीब की पहचान को पेश करती है। दिल्ली के सिरफोर्ट ऑडिटोरियम में मशहूर व मारूफ और हर दिल अजीज़ गज़ल गायक पंकज उदास के एजाज़ में मोमेंट्स विद पंकज उदास के नाम से एक खूबसूरत शाम का अहतमाम किया गया, जिसमें पंकज उदास ने गज़लें पेश की। आँ
भारतीय संगीत की जानी मानी शख्सियत और मशहूर व मारूफ गजल गायक पंकज उधास की ये दिलकश और बेहतरीन अदायगी गजल सुनने वालों या यूं कहें गजल से मोहब्बत करने वालों के लिए एक यादगार लम्हा रही। जब तबीयत किसी पे जो कुछ पल के लिए ही सही दिल को सुकून की गहराइयों में ले जाती है। बराबर 30 साल से गा रहा हूँ, ये 30वां साल है कि मैं सिर्फ फोर्ट पे गा रहा हूँ, तो बेहद खुशी होती है कि 30 साल के बाद भी लोगों में इतना प्यार और इतना लोगों में एंथुजियाज्म, वो देख के बड़ी खुशी होती है। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है। यह आयोजन एक बार फिर से पंकज उधास की आवाज और उनकी पहचान के लिए जाना और पहचाना जाएगा, साथ ही दिल्ली जिसे दिलवालों के शहर के नाम से भी बखूबी पहचाना जाता है के लिए एक बेशकीमती तोहफा है। मुझको पीने की आदत थी, उसने अपनी कसम देकर छुड़ा दी, दोस्तों के साथ महफिल में बैठा जब उसकी कसम देकर पिला दी। मुझे तो महकश समझ सब बाकश, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ा था, मेरी रग रग में नशा मुहब्बत का है, मेरी रग रग में नशा मुहब्बत का है, मेरी रग रग में नशा मुहब्बत का है, जो समझ में ना आए तो मैं क्या करूँ, जो समझ में
लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। अब ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ध्रुपद शहनाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां पर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान के नाती उस्ताद फतेह अली खान ने शहनाई पर धुन छेड़कर सबके दिल में बसे उस्ताद बिस्मिल्ला खान की याद को ताज़ा कर दिया। आइए दिखाते हैं आपको इस शाम की कुछ खूबसूरत झलकियाँ। कहते हैं कि वो खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से वो जुदा नहीं। महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाते उस्ताद फतेह अली खां ने जब शहनाई पर धुन छेड़ी तो सभी के दिलों में बसे उस्ताद बिस्मिल्ला खां की याद बरबस ही आ गई। सुरीली शाम की सौगात इस मौके पर मौजूद दर्शकों को भाव विभोर कर गई, और जब शहनाई पर अपने दादा की प्रिय धुन उन्होंने छेड़ी तो बीते सुनहरे वक्त की याद ताज़ा हो उठी। आखिरी प्रस्तुति में बनारस का रंग देखते ही बना, बनारस की रूहानी महफिलों का अक्स इस एक शाम में दिखा, और उस्ताद फतेह अली खान ने इस यादगार मौके पर एक से बढ़कर एक रागों पर अपनी प्रस्तुति दी।
दिल्ली के साहित्य अकादमी सभागार में मशहूर डोगरी कवित्री और हिंदी लेखिका पद्मा सचदेव के द्वारा लिखित किताब ऐसा कहां से लाऊं का लोकार्पण किया गया, जिसमें संगीत जगत की स्वर कोकिला और मशहूर गायिका लता मंगेशकर की जिंदगी को पेश किया गया। इस खास मौके पर कई जानी मानी शख्सियतें मौजूद थी। स्वर साम्राज्य की स्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर के संस्मरण, विमर्श और साक्षात्कारों पर केंद्रित पुस्तक ऐसा कहां से लाऊं का लोकार्पण भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ. कर्ण सिंह और दीगर लोगों की मौजूदगी में किया गया और इस किताब को कलमबद्ध किया डोगरी कवित्री और हिंदी साहित्य में खास मकाम रखने वाली पद्मा सचदेव ने। 60-65 वर्ष से उनके गाने हम सुनते जा रहे हैं और कैसी आवाज दी है भगवान ने उनको कि कभी उनको सुनते सुनते आदमी उठता नहीं, मन कहता सुनते ही रहो। ऐसी सरस्वती महा सरस्वती की कृपा उन पे है। मैंने एक बार लता जी कहा, मैंने कहा आपने जितने गाने गाए हैं उसमें अगर मुझे एक चुनना हो तो मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, कहने लगे कौन सा चुनोगे, रसिक बलम शुद्ध भोपाली में है और इतना सुंदर गाना है, मेरी विरह का इतना सुंदर गाना मैंने कभी सारी उम्र में नहीं। हमारी पद्मा जी जो है ये साधारण लेखिका नहीं है, ये भी 50 वर्ष से लिख रही है और क्या क्या इन्होंने कष्ट नहीं भोगे, क्या क्या इन्होंने दुनिया के अलग अलग दृश्य नहीं देखे, लेकिन ये लगी है और डोगरी में तो इनका बहुत ऊंचा स्थान है। डोगरी कवित्री में इनका एक अद्भुत स्थान है, द्वितीय स्थान है। पद्मा जी के साथ एक चीज बहुत अद्भुत है और उसे समझना चाहिए। पहला तो वो खुद लोकगीत की गायिका हैं, एक रचनाकार हैं। एक और बात कि वो जो हमारी पद्मा जी हैं, जैसा बताया गया, आकाशवाणी में थी और उद्घोषक थी, तो उनकी आवाज़ को एक पहचान आकाशवाणी ने भी दी और शायद इसी का फल था कि लता जी इस बात के लिए आकृष्ट हुई और उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम को पद्मा जी से कंडक्ट कराया। एक जगह वो कहती हैं कि पद्मा देखो, माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि मरना जीना मगर अपने स्वाभिमान को कभी साथ में नहीं छोड़ना, और एक काम और करना, कितने भी कष्ट आ जाएं भीख नहीं मांगना और चोरी नहीं करना। उन्होंने एक जगह कहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतवर्ष जैसे महान देश में पैदा हुई हूँ। ये आशा भोसले का स्वर अगर जिंदगी है तो लता मंगेशकर का स्वर उसकी रूह और आत्मा है। लता जी ठहरी हुई गहरी झील है तो आशा दीदी हिमालय से गिरता जलप्रपात है। गालिब का एक शेर है, आई ना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहे जिसे। तो ये ऐसा कहाँ से लाऊं मैंने वहीं से लिया। लेखक के तौर पे मैं समझती हूँ कि वो एक साधारण सी सादा सी लड़की हैं जिनको भगवान ने गला दिया है। दिनकर जी कहते थे जब तक वो साधारण है तब तक ही वो इतनी बड़ी गायिका है। उनके गीत मुझे सभी पसंद हैं, पर एक गाना था कटते हैं दुख भरे दिन पहलू बदल बदल के, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और भी कई गाने हैं, देखिए उनकी गानों के साथ हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जैसे हमारा बचपन जुड़ा है, फिर हम जैसे जवान हुए, जवानी जुड़ी है, उसके बाद कितनी मोहब्बतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, कितनी ज़िंदगी के और रोने के, हंसने के, चुप बैठने के, कितने वो बाहर गई जब लड़ाइयाँ हुई तो फौजियों से मिली, वहाँ से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो एक एक लम्हा हमारा उनके गानों से जुड़ा हुआ है। इस खास मौके पर साहित्य, कला एवं संस्कृति जगत के कई जाने माने लोगों ने लता मंगेशकर को याद करते हुए पद्मा सचदेव के साथ उनके संबंधों पर, उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर चर्चा की। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के ललित कला अकादमी में कोलकाता से आई कलाकार प्रदीप रावत ने आर्ट फॉर लिटिल हार्ट्स नाम से एक बेहतरीन कलात्मक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक एक साथ देखने को मिली। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपकी राय कर रहेगा इंतजार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं facebook.com/silsilaonrajyasabha TV के जरिए। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।